सर्वप्रथम तो सभी छठ व्रती को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ मैं बुद्धिमान लामा के तरफ से। तो आज मैं चुनाव प्रचार के क्रम में बहुत जगह जाके आज रात को इस छठ घाट पे आ गया। देखा जाए कि बीरपड़ा का सबसे बड़ा माधरघाट ब्लॉक का ही सबसे बड़ा छठ पूजा घाट है ये गरगंडा नदी के घाट पर। तो उसमें आके मुझे बहुत खुशी लगी। सबसे पहले तो मैं एक एज अ जनता के हिसाब से इस बार प्रतिनिधि करके एक स्वतंत्र उम्मीदवार, आप जानते हैं कि स्वतंत्र मतलब सबसे अलग, स्वतंत्र होके अपना विचार रखने वाला उम्मीदवार होने के वजह से किसी पार्टी को ऐसा डर हो रहा है कि बुद्धिमान लामा तामंग एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के वजह से किसी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है, ऐसा भाव होने के कारण कोई बोलता है कि बीजेपी बोल रहा है कि टीएमसी का बीटीम और टीएमसी बोल रहा है कि बीजेपी का कोई गेम है। तो इससे मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं जो राष्ट्रीय दल, बड़े दल और राज्य के बड़े दल जो ऐसे भ्रामक स्थिति कर रहे हैं कि ये जनता से भय होके वो लोग बहुत सारे मुझे अफवाह फैला रहे हैं कि ये इस टीम का है, इस टीम के मिलके वो लोग काम कर रहे हैं, बोलके ऐसा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इसको हम खुले विरोध करते हैं कि यदि आप चुनाव में आए हैं तो स्वच्छ मन से आइए, किसी को आक्षेप मत लगाइए। जो काम आप लोग नहीं कर रहे इसी के वजह से एक जनता का प्रतिनिधि होने के कारण इस बार हम स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा देखा जाए तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यवसाय चाय उद्योग है। जो चाय उद्योग जिस तरह से बंद के कगार पर है, ये चाय मजदूरों का हक अधिकार के लिए इस बार मैं चुनाव में उतरा हूँ। और दूसरी बात, बीरपड़ा का सबसे बड़ी समस्या है जो ट्रैफिक जाम और डोलोमाइट है, इसका समाधान हेतु मैं इस बार उतरा हूँ। जिसके वजह से डोलोमाइट की वजह से जितने प्रकार के अभी बीमारी हुआ है इसके स्थानांतरण के लिए, और यहाँ पे जो रेलवे ओवरब्रिज है जो दोनों दल के आपसी झगड़ा के बीच, मतभेद के बीच जो समाधान नहीं हुआ है, इस को हम समाधान करने हेतु इस बार चुनावी मैदान पे उतरे हैं। और देखा जाए कि बीरपड़ा एक टीजी मौजा है, जिसके वजह से बीरपड़ा इतना बड़ा शहर है, व्यवसायिक केंद्र है, लेकिन अभी तक म्यूनिसिपैलिटी नहीं हुआ है। इस मुद्दे को लेकर और देखा जाए कि इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी समस्याएं, शिक्षा में समस्याएं हैं, रोजगार, जैसे कि चाय बगान एक रोजगार का माध्यम था, वो रोजगार एकदम बंद है, और जो भी नया इंडस्ट्री हमारे इस क्षेत्र में नहीं आ रहा है, इसको कैसे आगे लेके जाए, यूथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस हिसाब से हम इस मुद्दे को लेकर इस बार हम लोग काम पे आए। ओके, सबले एउटा जनता को आंदोलन को रूप में म एउटा स्वतंत्र उम्मीदवार भएकोले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के डर भइरहेछ भने, देश को सबैभन्दा ठूलो पार्टी, राज्य को सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई चाहिँ एकदम डर भइरहेछ कि त्यो जनता का आवाज भएर निस्केको छ बुद्धिमान लामा तामाङ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हराउँछ भन्ने एउटा भयले गर्दाखेरि उनीहरूले मलाई धेरै प्रलोभनहरू पनि दिइरहेछ। तर हामी अडिग छौँ, जनताको समस्या चाहिँ समाधान जसले गरेको छैन त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामी यो निक्लेको हाम्रो यो एउटा अभियान हो। एरिया बहुत ठुलो छ, जुन चुनावी निर्वाचन क्षेत्र छ 12 जिपी छ, अहिलेसम्म हामीले लगभग 8 जिपीहरू हामीले पूर्ण गरिसक्यो। अब बाँकी रहेको 4 जिपी पनि हामी समक्षमा समय कम्ती अनि हाम्रो ह्यान्ड्स, किनभने एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो कुनै न त बुथ कमिटी छ, न कुनै अञ्चल छ, न कुनै ब्लक छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी स्वत जनताहरूलाई जोड्दै जोड्दै लाँदै हाम्रो अभियान हामी चलाइरहेको छौँ। देखे हम लोग इस चुनाव को हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, जनता का मुद्दा के लिए हम लोग इस बार चुनाव में आए। मैं जीतता हूँ तो मैं कोई भी या तो विरोधी दल में भी नहीं रहूँगा और सरकार के पक्ष में भी नहीं रहूँगा, बीच में होके एक सेतु का काम करूंगा, ब्रिज के काम करूंगा, जनता का ब्रिज का काम। जो समस्याएं दोनों पार्टी अभी बोल रहे हैं कि ये काम वो नहीं दे रहा है करने के लिए, वो काम ये करने नहीं दे रहा है बोल रहे हैं, इसका बीच में एक ब्रिज का काम, सेतु का काम करने के लिए मैं इस बार चुनावी मैदान पे उतरा हूं। और आपको बीएमडीसी की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी को।